बात है अक्टूबर 2019 की, जब 47 ईयर ओल्ड जॉली जोसेफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। केरला के कोझिकोड के एक छोटे से शहर कोडताई उस वक्त देश का न्यूज हेडलाइंस बन गया, जब वहां के लॉर्ड्स माथा चर्च के सेमेटरी से पुलिस ने 6 कॉफिन्स को निकाला और मैथ्यूज फैमिली में एक सीरियल किलर का नाम बाहर आने लगा। एक ऐसी सीरियल किलर जिसने 2002 से 2016 तक ओवर अ स्पैन ऑफ 14 ईयर्स धीरे धीरे अपने 6 टारगेट्स को मौत के घाट उतार दिए। हिस्टोरिकली देखा गया है कि ऑल द इनफेमस सीरियल किलर्स अपने टारगेट्स घर के बाहर वीराने में हेल्पलेस कंडीशन के लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन जॉली के टारगेट्स थे उसके घर के ही 6 सदस्य, इंक्लूडिंग हर हस्बैंड and her in-laws. Many find it hard to believe that a woman known to be a family-oriented, well-respected and liked could be a cold-blooded killer. Jolly Joseph was the daughter of a wealthy cardamom farmer in Vajrahara village in Idukki. Uski friendly aur happy-go-lucky nature ke liye her parents named her Jolly. जोसेफ फैमिली से कॉलेज जाने वाली जॉली पहली इंसान थी। वो एक एम्बिशियस यंग लड़की थी हु वाज सेड टू हैव ड्रीम्स बियॉन्ड हर फादर्स फार्म। लेकिन जॉली के एम्बिशंस की शुरुआत हुई जब जॉली जोसेफ मैरिड रॉय थॉमस। रॉय थॉमस कोडताई के पुनमतम फैमिली के सबसे बड़ा बेटा था। 1997 में एक फैमिली फंक्शन में जॉली रॉय से मिली और जल्द ही ये अलायंस शादी में बदल गया। रॉय हैड अ यंगर ब्रदर रोजो थॉमस and a sister Renji, और थॉमस फैमिली एक respected, highly educated family था। खुद को थॉमस फैमिली से introduce कराते वक्त जॉली ने बताया था that she is highly educated, और ये भी बताया कि she works as a lecturer in NIT Calicut in Kozhikode। पहली मुलाकात से ही जॉली ने झूठ का जाल बिछाना शुरू कर दिया, because in reality she did not have a job। जॉली का simple और friendly nature देख के थॉमस फैमिली was instantly fooled। और उन्हें अपनी तरफ आने वाला तूफान का अंदाजा तक नहीं था। अरेस्ट के वक्त पुलिस के चार्जशीट के मुताबिक जॉलीज विक्टिम्स इंक्लूडेड हर फर्स्ट हस्बैंड रॉय थॉमस, फादर इन लॉ टॉम थॉमस, मदर इन लॉ अनम्मा थॉमस, अनम्मा'स ब्रदर मैथ्यू मैंचेंडाइल, जॉलीज सेकंड हस्बैंड शाजूज फर्स्ट वाइफ सिली एंड शाजू एंड सिलीज डॉटर एल्पाइन। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये सारे विक्टिम्स हैव बीन स्लो पॉइजन्ड विद साइनाइड। जॉलीज किलिंग स्प्री स्टार्टेड इन 2002। हर किलिंग के बाद उसने सबको इजीली कन्विंस किया दैट द डेथ्स आर नेचुरल और ऐसी कहानियां बनाई कि शक के लिए कोई जगह ना रहे। अनम्मा थॉमस जॉली की सास रॉय थॉमस की मदर अपनी पूरी जिंदगी एक वर्किंग वुमन थी। अनम्मा वॉज अ स्कूल टीचर। शादी के वक्त जॉली ने अपने M.Com डिग्री के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि दरअसल जॉली कॉलेज तो गई थी लेकिन शी डिड नॉट कंप्लीट हर पोस्ट ग्रेजुएशन। शादी के बाद अनम्मा इंसिस्टेड कि जॉली भी कोई जॉब ज्वाइन करके अपना करियर को आगे बढ़ाए। आफ्टर अनम्मा रिटायर्ड वो जॉली को और फोर्स करने लगी जॉब के लिए। दिस बॉदर्ड जॉली एंड शी वॉज वरिड that Anamma might find out about her lies. Situation से बचने के लिए उसने अनम्मा को अपना पहला टारगेट बनाया। जॉली procured cyanide from a veterinary clinic and mixed it in her mother-in-law's soup. Soup पीते ही अनम्मा की डेथ हो गई। मौत के वक्त सारी फैमिली घर में ही मौजूद थी, लेकिन इस cold blooded horrific डेथ को एक natural death due to heart attack assume करते हुए accept कर लिया गया। अनम्मा's family did not even go for a post-mortem. अब जॉली को अपना आगे का रास्ता क्लियर दिखने लगा एंड शी बिकेम कॉन्फिडेंट। जॉली के लिस्ट का सेकंड विक्टिम था उसके ससुर फादर इन लॉ टॉम थॉमस और दोनों मर्डर्स के बीच 6 इयर्स का गैप था, लीविंग नो रूम फॉर सस्पिशन। टॉम थॉमस एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक सीनियर क्लर्क थे। ही वॉज अ हाईली रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो हैड कंसिडरेबल प्रॉपर्टीज टू हिज नेम। जॉली के हस्बैंड रॉय के पास कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं था एंड जॉली हैड हर आईज सेट ऑन टॉम्स प्रॉपर्टी। जॉली डरती थी कि टॉम अपना सारा प्रॉपर्टी उसके US सेटल छोटे बेटे रोजो को दे देगा और जॉली के लिए कुछ नहीं बचेगा। 2008 में टॉम कोलंबो श्रीलंका गए, जहां उसके डॉटर रेंजी का ससुराल था एक फैमिली विजिट के लिए। प्लान था कि टॉम थॉमस वहां से US चला जाएगा अपने दूसरे बेटे के पास, लेकिन जॉली ने टॉम को वापस बुलाया, टेलिंग हिम दैट शी वाज प्रेग्नेंट एंड हर हस्बैंड वाज ड्रिंकिंग टू मच। टॉम केरला वापस गया और जल्द ही जॉली के हाथों का शिकार हो गया। जॉली किल्ड हिम बाय गिविंग हिम साइनाइड थ्रू अ रेगुलर हेल्थ कैप्सूल। उस वक्त ऐसा लगा कि जॉली वाज द फर्स्ट वन
to find Tom's body और जॉली ने सबको convince किया that it was a cardiac arrest. जब केस आगे बढ़ा तब पता चला कि जॉली ने अपने फादर इन लॉ के डेथ के बाद एक डुप्लीकेट फेक विल बनाया था जिसमें टॉम की सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे जॉली के हस्बैंड के नाम था. अब तक दो किलिंग्स हो चुके थे और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जॉली को साइनाइड कहाँ से मिला. क्या जॉली ये सब अकेले कर रही थी. वेल टर्न्स आउट जॉली वॉज हैविंग एन अफेयर विद MS मैथ्यू. मैथ्यू एक ज्वेलरी स्टोर मैनेजर था एंड ही हैड एक्सेस टू साइनाइड और MS मैथ्यू जॉली को साइनाइड सप्लाई करने लगा. लेकिन जब हस्बैंड रॉय थॉमस का डेथ हुआ तब पहली बार डाउट्स ऑफ मर्डर सामने आया. अपेरेंटली हर हस्बैंड न्यू अबाउट हर रिलेशनशिप विद मैथ्यू और वो जॉली से सवाल पूछने लगा था. दोनों के बीच इस बात का तनाव चल रहा था और रॉय का बिजनेस भी लॉस में जा रहा था. उसी वक्त इन 2011 एक रात रॉय को बाथरूम फ्लोर में अनकॉन्शियस पाया गया, वॉमिटिंग एंड फ्रॉथिंग फ्रॉम हिज माउथ. हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल इन हॉस्पिटल. तब रॉय थॉमस के सिबलिंग्स और अंकल को डाउट होने लगा और उन्होंने पुलिस को ऑटोप्सी के लिए प्रेशर किया विच रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड इन हिज बॉडी. जॉली ने पुलिस को कन्विंस किया कि रॉय एक डिप्रेस्ड एल्कोहलिक था, अपने बिजनेस लॉसेस से परेशान था और उसने डिप्रेशन में आकर अपनी जान ली है. एंड द लोकल पुलिस डिड नॉट इन्वेस्टिगेट द मैटर फर्दर एट दैट टाइम. पुलिस इन्वेस्टिगेशन से डिससैटिस्फाइड अंकल मंचन दायल ने परिवार को इकट्ठा करके फैमिली के तीनों डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करने का प्रस्ताव रखा और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में अंकल को पता चला अबाउट जॉलीज अफेयर विद MS मैथ्यू. इससे पहले कि अंकल ये बात सारे फैमिली को बता पाता, जॉली ने उन्हें अपना अगला शिकार बनाया. In 2014, Jolly claimed the old man's life by secretly mixing cyanide in his drink. When uncle collapsed, Jolly ne hi kuch neighbors ke saath use hospital le gayi, but he was dead by then. Husband Roy Thomas ko raaste se hatane ke baad, Jolly wanted to marry Shaju Zacharias, her husband's first cousin, kyunki he had a good job aur acche paise kamata tha. And fine, Shaju ki ek saal ki beti thi. जो जॉली की अगली टारगेट बनी. एक फैमिली फंक्शन में जॉली ने अल्फाइन को खाने में साइनाइड देकर फिर चोक करके मार डाला. एक साल की बच्ची के मौत से डिस्ट्रॉट साजू की वाइफ सिली डिप्रेशन में चली गई और जॉली ने सिली को सहारा देने के एंगल से दोस्ती कर ली. इन 2016 जब सिली एक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए गई, जॉली उसके साथ गई एंड शी किल्ड सिली बाय लेसिंग हर पिल्स विद साइनाइड. छह डेथ्स होने के बाद भी फैमिली मेंबर्स के डाउट्स और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी फॉर 14 इयर्स इन डेथ्स का रियलिटी सामने नहीं आया. द रियलिटी ऑफ द डेथ्स अनफोल्डेड इन 2019 एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल द डेथ्स इन कोडाथाई वर मर्डर्स. जब रोजो थॉमस सन ऑफ टॉम थॉमस ने एक फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट फाइल किया एक्सप्रेसिंग सस्पिशन अबाउट द डेथ्स. रोजो के कम्प्लेन के बाद लोकल पुलिस अंडर कोजिको रूरल SP स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन. इंटेंस स्क्रूटनी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद इनिशियल फाइंडिंग्स में कई डिस्क्रिपेंसीज मिले, प्रॉम्प्टिंग द पुलिस टू ओपन ऑल द फैमिली ग्रेव्स. ग्रेव्स ओपन करके जब बॉडीज की थरो ऑटोप्सी की गई, तो छह डेथ्स की सच्चाई सामने आई कि ये सारे डेथ्स इन फैक्ट मर्डर्स थे, मर्डर बाय साइनाइड. This news sent chills down the silent neighborhood of Kodathai. Finally, Jolly was arrested on October 5th, 2019. Arrest ke baad, Jolly ne apne crimes ka detailed confession diya. Jolly's lover Matthew, jisne usse cyanide supply kiya tha, was also arrested. Matthew ne bhi confess kiya that he helped Jolly source cyanide from a local goldsmith. Aaj bhi dono, Jolly aur Matthew, police custody mein hai at the district prison in Kozhikode, Kerala, awaiting trial. तो ये थी कहानी जॉली जोसेफ की, जिसकी पर्सनल लालच ने कई जिंदगियों को वक्त से पहले खत्म कर दिया. इस सच्ची क्राइम स्टोरी के बारे में अपने व्यूज कमेंट में जरूर बताइए. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. मिलते हैं अगले वीडियो में. नमस्कार.